6 मई पर्वतौड़ा के पहले दिन की कथा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने व्यासपीठ से बहुत ही बड़ी बात कही कि आज संसार के लोग सनातन धर्म को नीचे गिराने में लगे हुए हैं। दुनिया के लोग सनातन धर्म को नीचे ले जाना चाहते हैं। अभी समय है और अभी लोकसभा के चुनाव भी चल रहे हैं, दूसरा तीसरा राउंड ही हुआ है, 7 राउंड में चुनाव होना है। एक एक सनातनी को अपना वोट जरूर डालना चाहिए अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए। और कहा कि मंदिर में तो नहाकर जाना पड़ता है पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें नहाने की जरूरत नहीं है। सवेरे से उठो और वोट डालने की लाइन में लगो और अपनी उंगली का प्रयोग करो। दिखा दो कि जिस सनातन धर्म ने राम मंदिर में राम को 500 वर्ष बाद बिठाया है वो मेरे राष्ट्र को एक दिन उन्नति की ओर जरूर लेकर जाएंगे। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने सभी भक्तों से कहा कि मेरा एक एक सनातनियों से निवेदन है, अगर आपको अपने बच्चों की रक्षा करना है, आपके बच्चों को संस्कारी बनाना है और इस भारत को बहुत उन्नति की ओर लेकर जाना है तो अपनी इस उंगली का प्रयोग करना, अपने वोट का प्रयोग करना, भले मंदिर मत जाना और वोट की लाइन में लगकर अपना वोट जरूर डालकर आना, राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए और सनातन धर्म के लिए। साथ ही लोगों के बारे में कहा कि कई लोग बहाने लगा देते हैं सनातन धर्म के लिए, तो उनसे कहा कि अगर अभी इस उंगली का प्रयोग नहीं कर सकते तो बाद में फिर उंगली मत उठाना, फिर उंगली उठाकर मत कहना कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। गर्मी में बाहर निकलो और राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, देश के विकास के लिए वोट करें, ऐसा पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी व्यासपीठ से कहा।